हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ट्विन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ट्विन प्रेगनेंसी को हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी माना जाता है, इसीलिए ट्विन्स बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की निगरानी के लिए आपकी डिलीवरी से पहले नॉर्मल से अधिक अल्ट्रासाउंड होने की संभावना है। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रीटर्म डिलीवरी ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए डॉक्टर आपको शुरुआत में अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं ये पता करने के लिए कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर नहीं। और ट्विन्स बेबी शुरुआत में आमतौर पर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिस वजह से अगर आप 6 से 7 वीक्स के बीच में अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी कंफर्म ही नहीं होती है। 6 से 7 वीक्स के बीच में जब आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो इसमें अक्सर एक ट्विन्स जो है दूसरे ट्विन्स के पीछे छुप जाता है, और ऐसा अक्सर तब होता है जब आपके दोनों ट्विन्स बेबी एक ही थैली शेयर करते हैं, और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको दोबारा से जो अल्ट्रासाउंड है वो 10 वीक्स के बाद ही कराना है, और इस टाइम पर जब आप कराती हैं तो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या नहीं है, और अगर है तो किस टाइप की ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो 6 से 14 वीक्स के बीच में किया जाता है, और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपके भ्रूण की वायबिलिटी एंड संख्या दोनों को बताता है। और आप जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उनको कभी कभी डेटिंग अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। इसका रीजन होता है क्योंकि वे आपकी ड्यू डेट एंड आपकी जो जेस्टेशनल एज होती है उसको कम कर देते हैं। एंड 10 से 14 वीक्स के बीच में और 18 से 22 वीक्स के बीच में आपका एनाटॉमी स्कैन किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड आपके ट्विन्स बेबी की फेटल हार्ट बीट और गर्भकालीन आयु और जेंडर कंफर्म करता है, और इसके अलावा ट्विन्स बेबी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी ऑब्जर्व करता है। और आप ट्विन प्रेगनेंसी में 10 से 13 वीक्स के बीच में एंटी स्कैन यानी कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी अल्ट्रासाउंड भी करा सकती हैं। इस अल्ट्रासाउंड को कराने से ये फायदा होता है, इसमें अल्ट्रासाउंड के दौरान लिए गए एंटी माप से डाउन सिंड्रोम और बच्चे में कोई भी जन्मजात विसंगति तो नहीं है या फिर कोई अदर रिस्क तो नहीं है, इसका पता बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, इसलिए आपको ये ट्विन प्रेगनेंसी में जरूर कराना चाहिए। और इन सब के अलावा भी ट्विन प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड होने की संभावना होती है, जैसे कि कोरियोसिटी अल्ट्रासाउंड, यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि आपके प्रत्येक भ्रूण की अपनी कोरियोन बोला जाता है एक झिल्ली को जो कि आपके भ्रूण को घेरती है, और एमनियोटिक थैली है या नहीं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपके ट्विन्स बेबी किस प्रकार के ट्विन्स हैं। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 10 वीक्स के दौरान होता है। एंड दूसरा होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, यह अल्ट्रासाउंड गर्भनाल के माध्यम से प्लासेंटा में ब्लड फ्लो को मापने के लिए, यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि आपके दोनों बेबी को पर्याप्त मात्रा में भोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं, और यह तब किया जाता है जब आपके ट्विन्स में एक बेबी दूसरे की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। एंड एक होता है कार्डियो टोकोग्राफ, जिसको कि CTG बोला जाता है। CTG जो है वो एक अन्य प्रकार का डॉपलर स्कैन होता है, और इसका यूज प्रेगनेंसी के लास्ट में जब आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका यूज जो है उस समय बच्चे की धड़कन पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। एंड ग्रोथ स्कैन, ये जो स्कैन होता है वो आपके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके ट्विन्स बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के लिए किया जाता है, और आपकी परिस्थितियों के आधार पर यह 2 से 6 वीक्स पर भी किया जा सकता है।